ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 9 दिवसीय यात्रा हुई शुरू। देशभर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को जगन्नाथ यात्रा की दी बधाई। धार्मिक उत्साह के साथ देश के विभिन्न शहरों में भी निकाली जा रही है जगन्नाथ यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। किसानों को खास सौगात देते हुए खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी। केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में शुक्रवार को होगा पेश। आम बजट को लेकर देशवासियों को हैं खासी उम्मीदें। सरकार से कई सौगातें मिलने की है आस। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आया 15वां वित्त आयोग। एनके सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल के साथ की बैठक। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर की चर्चा। वित्त आयोग के सदस्यों ने किया राजधानी स्थित जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण। संग्रहालय में प्रदर्शित जनजातीय जीवन, देशज ज्ञान और सौंदर्य बोध को देखकर हुए अभिभूत। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव ने संग्रहालय की कलाकृतियों से कराया अवगत। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी। राज्य निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के प्रेक्षकों का प्रशिक्षण हुआ आयोजित। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने सजगता से मतदाता सूची के निर्माण करने पर दिया जोर। होशंगाबाद में जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित। बैठक में 261 लाख रुपए के प्रस्ताव किए गए अनुमोदित। मंत्रालय में 15 अगस्त से लागू होगी ई ऑफिस कार्यप्रणाली। ई ऑफिस प्रणाली शुरू होने से मंत्रालय के कामकाज में आएगी तेजी, पारदर्शिता में भी होगी बढ़ोतरी। धार जिले में दस्तक अभियान के तहत 400 से ज्यादा कुपोषित बच्चों का किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उपचार। अभियान के दौरान जिले में करीब 2.5 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग का रखा गया है लक्ष्य। देशभर में 6 जुलाई से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने की एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जुलाई सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इस बार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत को लेकर की जा रही हैं व्यापक तैयारियां। आपसी समन्वय से सुलझाए जाएंगे प्रकरण। न्यूजीलैंड को 119 रनों से हराकर इंग्लैंड भी पहुंचा विश्व कप के सेमीफाइनल में। इंग्लैंड बनी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम। न्यूजीलैंड का भी सेमीफाइनल खेलना लगभग तय। किसी चमत्कारिक प्रदर्शन से ही सेमीफाइनल में जा सकता है पाकिस्तान। और विश्व कप 2019 में वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान का मुकाबला आज। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से हो चुकी हैं बाहर। इस विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी अफगानिस्तान।